जय हिंद एवरीवन। यार मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैथ में नंबर नहीं आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ में नंबर नहीं बन रहे हैं। यार देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 50 out of 50 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैथ यार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाली है। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आने वाले अर्थमेटिक्स से ही आने वाले हैं। अगर दो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएंगे तो वो मेंशनेशन के डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ लेंगे, उसके अलावा बस यही सारी चीजें हैं। उसके अलावा आपसे ना कि एडवांस ज्योमेट्री पूछा जा रहा है, ना अलजेब्रा पूछा जा रहा है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन अगर पूछना भी होगा तो वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेंगे। इसके अलावा पूरा अर्थमेटिक ही है यहाँ पे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन वाले क्वेश्चन होगा, यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है कैसे आपको पढ़ाई करनी, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले, ये सारी चीज मैंने डिस्कस कर रखी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि लास्ट के 30 दिनों में आपको मैथ कैसी पढ़नी है ताकि आपका मैक्स से मैक्स स्कोर हो सके और आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर सके। तो हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूं। ट्रेनिंग के बीच में मैं टर्मिनेट हो गया था, अभी मैं हाई कोर्ट से केस जीत गया था, लेकिन मेरा मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है। और साथ ही साथ मैं उसी टाइम पीरियड में एसएससी सीपीओ का एग्जाम दिया था, तो मैं अभी सब इंस्पेक्टर हूं सीआरपी में। तो ये सारी चीज अबाउट माई सेल्फ, वहां की फर्दर प्रिपरेशन चल रही है। तो अब बात करते हैं आपका क्या अप्रोच होनी चाहिए अब मैथ के लिए। तो देखो यार, मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर आपका कोर्स कंप्लीट है, अगर आपने किसी टीचर से मैथ पढ़ रखा है, अगर उनके आपने नोट्स बना रखे हैं, तो उन्हीं नोट पर रिलाई करें, उन्हीं चीजों का मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा चीजें आपके माइंड में सॉलिड बैठेंगी, उतना आपका जितना रिवीजन होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बूस्टअप होगा, उतने अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने इससे पहले भी बता रखा था यार, रोजगार विद अंकित पर सर के चैनल पर राहुल सर हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेसिफिक मैथ पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने नहीं, अगर आपको फिर भी कहीं कोई सी क्लास में डाउट है, तो आप उन्हीं की पर्टिकुलर, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो प्रॉफिट लॉस सर्च करो, राहुल सर का नाम डालो, आपकी उनकी जितनी भी क्लासेस वो देख लेनी है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में लास्ट के 30 दिन में मैं बोलूँ कि प्रॉफिट लॉस नहीं बन रहे हैं, आप गगन प्रताप सर का क्लास देख लो, या राकेश यादव सर का देख लो, या अभिनव महेश सर का देख लो, या कोई भी एसएससी के बड़े टीचर का देख लो, भाई आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि वो एसएससी की मैथ बहुत अलग होती है, एसएससी सीजीएल सीपीओ की मैथ अलग होती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ बहुत आसान होने वाली है। ये 12th पास एग्जाम है यार, इसके मैथ बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाली, तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आप कोई ऐसे टीचर से पढ़िए जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्पेसिफिक मैथ पढ़ा रहे हैं। आपको बड़े बड़े टीचर के पीछे नहीं भागना, आप अपना टाइम बर्बाद करोगे, ये गलती मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि उनका जो लेवल है पढ़ाने का वो बहुत ऊपर है, आप इतनी जल्दी कैचअप नहीं कर पाओगे, तो ये गलती मत करना। दूसरी बात, आप जो प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहा हो वही चीज आपकी रिपीट होगी। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए पहले भी बता रखा है, करंट पब्लिकेशन की बुक है प्रीवियस की, आप उससे मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए ताकि आपके क्वेश्चन की आपके मल्टीपल वैरायटी आप क्वेश्चन सोल्व कर सको, और वही क्वेश्चन आपको सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 80% क्वेश्चन तो आपका वही सब रिपीट होना जो ऑलरेडी आ चुका है। तो मैथ में थोड़े बहुत नंबर बदल जाएंगे, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही सब होने वाला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में स्कोर बहुत अच्छा करोगे। उसके साथ ही साथ मॉक लगाइए, मॉक से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मॉक से जितनी अच्छी से आपकी प्रैक्टिस करोगे, आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप मॉक से कर सकते हो। तो मॉक में प्रैक्टिस करिए, यही सारी चीजें हैं, बाकी आपका नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा। और जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उस टॉपिक को जाइए, सर्च करिए, उसको स्टडी करिए, और उसके मैक्सिमाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए। जिस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उसी को जाके अच्छे से पढ़िए। जस्ट लाइक कि अगर आपका प्रॉफिट लॉस से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम हो रही है, आपका इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो भाई आप कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड पे ही फोकस करिए ताकि आपके क्वेश्चन वहां से बने। अब ऐसे नहीं कि आप जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं उसी को पढ़े जा रहे हैं, बाकी जिससे नहीं बन रहे उसको आप इग्नोर करे जा रहे हो, तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी साथ ही साथ मैक्स से मैक्स मॉक दीजिए, मैक्स से मैक्स रिविजन करिए, और फॉर्मूला बुक अगर आपने नहीं ली हो गगन प्रताप सर की, ले लेना, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी आप डायरेक्टली। और हाँ, जब आप मॉक लगाने जाओ तो आप फॉर्मूला रिवाइज करके जाओ ताकि आपके माइंड में चीजें बनी रहें और आप डायरेक्टली, आपको वो याद रहें और आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना लो। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, बाकी यही स्ट्रेटेजी है, मैक्स से मैक्स रिवाइज करिए, जिस भी टीचर से पढ़ा है उनके ऊपर रिलाई करें, और प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका नंबर डेफिनेटली एनहेंस होंगे। बाकी लास्ट के मंथ में बस आपका यही करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट्स ऑल अबाउट मैथ्स, आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, और घबराने वाली बात नहीं है, मैथ बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगी। अब मैं डबल से बोल रहा हूँ ये बात,
सो बाकी थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है फिजिकल में, कैसे फिजिकल के ऊपर वीडियो बनाएंगे आगे। बाकी जिस भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है, अभी तो एग्जाम पे फोकस करना है, तो एग्जाम में जो भी दिक्कत आ रही है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, बाकी हम डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन ला के देंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।